हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो पर तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ओढ़ुल के प्लांट्स के बारे में दोस्तों हमें ओढ़ुल का प्लांट से फूल किस तरह से अधिक लेना होगा और कैसे लेना होगा और किन चीज़ों का इस पर इस्तेमाल करना होगा वो मैं आपको आज अपनी वीडियो पर बताऊंगी। सबसे पहले अब हम बात करते हैं उड़हुल के प्लांट्स में लगे हुए फंगस के बारे में दोस्तों इस प्लांट्स में इस तरह के फंगस जो लग जाती है वाइट वाइट फंगस जो हमारी पौधे पर लग जाती हैं वो और इस तरह से देखिए हमारे गुलाब के प्लांट्स पर भी लगे हुए हैं इसमें अधिक मात्रा में लगी हुई है और ये फंगस जब लग जाती है पौधे पर तो ना तो पौधे को ये बढ़ने देती है और ना ही इनकी कलियाँ बनने देती है और जब कलियाँ नहीं बनेगी दोस्तों तो आपका कब फ्लावरिंग कहाँ से मिलेगी तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये ओड़हुल का प्लांट्स है जो देख सकते हैं कि ये हमारा कितने अधिक मात्रा में इसमें फ्लावरिंग आई हुई है और कलियाँ भी इसमें बनी हुई है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकती हो ये हमारा उड़हुल का प्लांट्स बिल्कुल चाइना उड़हुल का प्लांट्स है इसमें अधिक कलियाँ बनी हुई है और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अधिक मात्रे में खिली हुई है तो मैंने आपको पिछले वीडियो पर दिखाई थी कि मैंने इसका ट्विनिंग कर कर कि किस तरह सा तरह से इसका ट्विनिंग करना है और कैसे करना है क्योंकि जब बरसात की मंथ आती है तो उससे पहले हम लोग हर पौधे को ट्वीनिंग कर लेते हैं कटिंग कर लेते हैं ताकि ये प्लांट्स आगे दिन चलकर बहुत ही बढ़िया और अधिक फ्लावर दे पाए उसी तरह से मैंने इस पौधे को कटिंग कर कर मैंने रखी थी और ये जब मैंने कट कर कर इस पौधे को तैयार किया है तो इसमें आप फ्लावर देख सकते हो कि कितने अधिक मात्रा में हमारा आई हुई है दोस्तों ये हमारे जो अड़हुल का प्लांट्स है ये कई जातियाँ में पाई जाती है बरसात के मंथ में इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और इस ये फ्लावर जो है दुर्गा माँ का प्रिय फूल है इसे हम लोग तोड़कर दुर्गा माँ पर चढ़ाया भी जाता है इनके माले भी चढ़ाए जाते हैं इस तरह से इस प्लांट्स को भी आप घर पे लगा सकते हो दोस्तों हम तो गमले में लगाए हैं लेकिन ये देखिए इसमें प्लांट्स को जब हमारा ग्रो दिलाना रहता है तो इसे हम लोग हर जगह से ट्विनिंग करना रहता है हर जगह से इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके कट जब हम करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ न कुछ किसी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम इसके न्यूट्रिशन डालने के लिए हम प्लांट्स को मिट्टी को गुड़ाई करते हैं गुड़ाई करने के बाद उस पर हम तरह तरह के खाद डालते हैं और खाद डालने से हमारा पौधा अच्छा सुंदर और हरा घना दिखता है और देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारे पौधे में अधिक मात्रे में फूल आई हुई है और ये फूल को आपको तोड़ लेना है इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर फ्लावर को तोड़ ली है क्योंकि पूजा करने के समय हम लोग सारे फ्लावर को तोड़ लेते हैं और इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं ढेरों फूल होने से हमारे घर पे यूज हो जाते हैं और हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों सिर्फ आप मेहनत अगर करते हो किसी भी प्लांट्स पर तो आप इस तरह से फ्लावरिंग पाओगे और ढेरों फ्लावर पाओगे क्योंकि जब हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं अगर हम एक प्लांट्स लाते हैं तो आपको तीन तीस से चालीस या पचास लागत लगती है और वो हम जब एक बार ले आते हैं दोस्तों तो हम लोग सालों साल फूल इससे लेते हैं और ये हम लोग जब माली से फ्लावर खरीदते हैं तो वो आपको महंगा पड़ जाती है तो इसी तरह से देखिए हमारे हाथों में कितने सारे उड़हुल का प्लांट्स जो मैंने लगाई हूँ वहां से फ्लावर को मैंने तोड़ ली हूँ अब इस तरह से जब फ्लावरिंग और भी होती है तो हमें इसमें डालना क्या होता है क्योंकि जब पौधे को ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो वो फूल देना बंद कर देती है तो हमें लेना क्या है किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो देखिए ये हमारा है सर्फ जिसे हम लोग कपड़े धोने के काम में लेते हैं तो आपको इसको यूज लेना है फिर हमें यहाँ पर लेना है सरसों का तेल जिसे हम लोग किचन में इसको यूज लेते हैं खाना बनाने के रूप में उसके बाद हम आपको दिखाते हैं लेना क्या है इनो जिसे हम लोग हमारा पेट खराब हो जाती है या हमारे गैस बन जाती है तो इस इनों की मदद से हमारा कैजियत भी दूर हो जाती है तो ये तीन चीज़ों को आपको लेना है अब हमें इस पर इस्तेमाल किस तरह करना है छिड़काव कैसे करना है सो मैं आपको आज बताती हूँ तो ये हमारा है एक लीटर का डब्बा जैसे कि छिड़काव करने वाले बोतल हम लोग बोलते हैं इसमें आप पो... सर्फ को डाल दे एक चम्मच सर्फ को डाल दे उसके बाद फिर यहाँ पर आप हाफ टी स्पून तेल को भी डालना होगा क्योंकि इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून तेल को ले ली हूँ और इसी सर्फ वाले डब्बे में डाल देना है क्योंकि इससे जो भी यहाँ पर हमारे उड़हुल का प्लांट्स पर व्हाइट फंगस जब पकड़ती है तो ये चिकनाहट की वजह से हमारा प्लांट्स पर नहीं पकड़ेगी अब यहाँ पर हम इनो ले लिए हैं दोस्तों अब ये तीनों चीज को मिक्स कर कर आप थोड़ा सा इनकी ढक्कन लगा ले और ढक्कन लगाने के बाद इसको मिला ले क्योंकि डब्बे में अगर हम मिला लेते हैं इस तरह से आप अच्छी तरह से हिला लें हिलाने से क्या होगा तीनों चीज़ का मिश्रण हो जाएगी उसके बाद हम प्लांट्स पर इनके छिड़काव करेंगे क्योंकि प्लांट्स पर छिड़काव करना बहुत ही जरूरी हो जाती है बरसात के मंथ में हमारे प्लांट्स पर बहुत सारे फंगस का अटैक होने लगती है वाइट कीड़े हैं ग्रीन कीड़े हैं या ब्लैक कीड़े हैं ये सारे हमारे प्लांट्स पर यु... अधिक मात्रे में ये घर बनाना स्टार्ट कर देती है तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सारे प्लांट्स पर छिड़काव कर कर दिखा रही हूँ आप भी इस चीज को बनाकर लिक्विड को बनाकर आप अपने प्लांट्स पर छिड़काव कर सकते हो ताकि आपके पौधे पर लगे हुए फंगस दूर भागे और आपका प्लांट स्वच्छ और सुंदर दिखे और ढेरों फूल दे दे पाए क्योंकि जब हम प्लांट्स पर केयर नहीं करेंगे तो हमें फूल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने घर पर उड़हुल का प्लांट्स लगाएं और ढेरों फूल पाएँ यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों बाय बाय